अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निदा मंजूर और आप देख रहे हैं निदा मंजूर व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है ये फटाफट सी चांद रात की शॉपिंग के ऊपर है। तो हम लोग गए थे चेस, जो कि हमारे घर के बराबर में ही ओपन हुआ है। घर के बराबर में मीन्स कि मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल बराबर में। सुबह निकले थे और वापसी पे रात हो गई थी, तो चांद रात की शॉपिंग हो जाएगी। इमरजेंसी में निकले थे कि कुछ मंजूर को आखिरी टाइम में याद आया कि अब मुझे कपड़े आखिरकार बना लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, मैं जो हूँ नॉर्मली ईद से पहले एक महीना पहले बच्चों की भी शॉपिंग कर लेती हूँ, अपनी भी कर लेती हूँ, स्टिचिंग ज्वेलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ जो है वो डन होता है मेरा। तो मंजूर को याद आया कि चलो अब ईद में जो है वो एक ही दिन बचा है, तो मैं क्यों ना जाके अपने लिए कुछ ख़रीदारी कर लूँ। मुझे लेना था अपने लिए क्यूनी का जो है डेवलपर, मेरे पास ख़त्म हो गया था, 40 वाला भी नहीं था और 20 वाला भी नहीं था वॉल्यूम का। तो वहाँ पे गए चेस में, वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, मैंने बहुत छोटी छोटी सी क्लिप जो हैं वो बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड की हैं। और वहाँ से मैंने अपने डेवलपर्स लिए, मजदूर ने लिए अपने कपड़े, और मुस्तफ़ा के लिए लिए हमने एक जीन्स, और मुझे लेना थी मॉडगल ब्लीच क्रीम। ईद है तो जाहिर सी बात है ब्लीच करती हूँ मैं ईद पर, नॉर्मली सी बात है। मैनीक्योर पेडीक्योर ब्लीच हेयर कलर सब कुछ अपने घर में सारा सामान मैंने ख़रीद के रखा हुआ है और सब जो है मैं खुद खरीद कर लेती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे मेहंदी मिल रही थी लेकिन ये जेल कोन मेहंदी थी तो ये मैंने नहीं ली, और 30 रुपीज़ की मिल रही थी। कोन मेहंदी जो है वो मैं मंगवाती हूँ अपने पार्लर से, यहाँ पे मेरे अपार्टमेंट में एक पार्लर है तो मेरे बच्चे जाके वहाँ से ला देते हैं। और यहाँ पे ये हैंड क्रीम मिल रही थी, अच्छी खासी वाइड वैरायटी है चेसअप में, कॉस्मेटिक के हवाले से, बच्चों के कपड़ों के हवाले से। ग्रॉसरी के लिए मैं आ गई थी 15 रमज़ान को, यहाँ पे ग्रॉसरी मैंने सारी ले ली थी, तो मुझे जस्ट 2-3 चीज़ें ही लेनी थी। और मुझे मॉडगल की ब्लीच क्रीम जो है यहाँ नहीं मिली, काफ़ी मैंने जो है वो सर्च किया, पूछा लेडी से भी जो वहाँ पे कंसल्टेंट्स होती हैं, उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे हम लोगों ने इस चेसअप में मॉडगल की कोई भी जो है वैरायटी नहीं है, मॉडगल का कोई ब्रांड हमने नहीं रखा। ये वाली ब्लैक शर्ट जो है ये मंजूर के लिए मुझे पसंद आई थी जो हमने ली ईद के लिए, और इसके साथ मैच करती हुई एक ब्लैक पैंट ली डेनिम के ऊपर, और एक पिंक शर्ट मंजूर के लिए ली, और एक टी शर्ट ली। वो मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं की, यहाँ रोज़े का टाइम हो गया था तो ये चेसअप वाले जो हैं इनके जो वर्कर्स थे, बाजी आप बाहर जाइए बस बंद हो रहा है करके हमें जो है यहाँ से निकाल दिया। अच्छा खासा बना हुआ है, बहुत प्यारा सा। और फिर मैं अपने रोज़े के बाद की वीडियो, ये चांद रात पे दोबारा मुझे जाना पड़ा है यहाँ पे झुमके लेने दुआ के लिए, जो मेरी बेटी है छोटी वाली, ये मम्मा मैं पुराने झुमके नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं चाहिए और आप जाकर लेकर आओ। तो वहाँ पर मैंने ये छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई, इतनी प्यारी वैरायटी थी इनके पास। कल मैं इनके पास आई थी तो रोज़े का टाइम हो गया था, इन्होंने मुझे बोला नहीं अब 8 बजे आइएगा, 8 बजे के बाद शॉप ओपन होगी, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं दे रहा। तो खैर अब मैं दोबारा इनके पास आई हूँ, वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। एकदम सामने ही मेरे एरम शॉपिंग सेंटर है और ये फर्स्ट इनकी शॉप है एंटर होते के साथ ही। ये जो झुमकी हैं इस तरह की मैंने बड़े साइज़ में ली है दुआ के लिए। हाँ ईद सर पे है तो प्राइसेस थोड़े से जो हैं वो इनके हाई हो गए हैं। और एक बॉटल ग्रीन कलर की झुमकी मैंने ली महानूर के लिए, क्योंकि उसकी ड्रेस जो है वो बॉटल ग्रीन कलर की फ़्रॉक है, उसके साथ ये जा रही थी, कलर भी बहुत अट्रैक्टिंग था इसका। अच्छा तो ये वाली जो इनकी वैरायटी है बहुत ज़बरदस्ती है। एक छोटी सी पायल भी ली दुआ के लिए, उसे बहुत शौक हो रहा था पायल कैसी होती है, पायल दिखाइए, तो ये मैंने उसे वीडियो कॉल पे भी दिखाई, कुछ वीडियो भी बना ली कि इस तरह की पायल थी। एक पायल मैंने उसके लिए ली, वो पहन के माशाल्लाह बहुत खुश हुई। और ये भाई भी अच्छे थे, इन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप वीडियो कॉल पर दिखा लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि प्राइस इनके थोड़े से हाई थे, क्योंकि नॉर्मली ये जो ज्वेलरी होती है ऑनलाइन भी 600-700 तक आपको झुमकियाँ मिल जाती हैं, लेकिन मुझसे इन्होंने एक झुमकी के 1200 रुपीस चार्ज किए, जो कि कम करवा के मैंने 1000 रुपीस में ली, और एक जो थी वो मुझे उन्होंने 800 बताया लेकिन मैंने उनको 650 रुपीस दिए। एक झुमकी ली, दो झुमकियाँ लिए मैंने इनसे, एक पायल ली और एक नोज़ पिंस भी ली। ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा था, जरकुन के ऊपर बना हुआ था, हसीन तरीन था, वैरायटी नो डाउट कमाल की थी इनके पास, और एक ही जगह पे इतनी चीज़ें थी। एक मुझे अपने लिए ये वाली बहुत पसंद आई, 650 रुपीज़ में दे रहे थे, ये पूरे मिरर्स लगे हुए थे इसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम है दिस डिज़ाइन अच्छा है, पैसे भी रिजनेबल है, लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई ड्रेस ही नहीं था जो मैं ईद पे इसके साथ पेयरअप करूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ बनाऊँगी तो फिर ये ज़रूर लूँगी। झुमके के अलावा इनके पास वेस्टर्न भी थी, लेकिन खैर वेस्टर्न नहीं लिए, पैसे मेरे हाथ में थे, मैंने इन्हें बोला आप मुझे बिल बता दो तो फिर मैं आपको जो है पेमेंट करती हूँ। एक और भी अच्छा सा डिज़ाइन है, वो भी मैं शो करती हूँ। वैरायटी आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त है इनके पास। टोटल कर दें मुझे।
की। तो यहाँ से ज्वेलरी लेके हम आ गए घर। घर आके की इफ्तारी और चेस से मैंने एक मुस्तफ़ा के लिए जीन्स भी ख़रीदी 449 रुपीज़ की, बहुत प्यारी सी है। टैग ज्वेलरी में आपके साथ शो कर देती हूँ। ये बॉटल ग्रीन एयरिंग्स थे और उसके साथ ये बड़ी वाली झुमकी थे 750-650 की एयरिंग्स, और ये झुमकी 1200 में 1000 में मैंने करवाई। हर ड्रेस के साथ जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त हैं। अब चलते हैं ईद के कपड़ों की तरफ मेरे। जो ईद के लिए मैंने बनवा के रखे थे, नॉर्मली इसको मैं घर में ही यूज़ करूँगी, घर में पहनने के लिए, क्योंकि आना जाना कहीं नहीं है, ईद नहीं मना रहे, बच्चे मनाएंगे, बच्चे जाके अपने दोस्तों के पास से होकर आ जाएंगे। तो एक ये ड्रेस है, ये मैंने खुद स्टिच किया है, एकदम ये लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ जगाट के ऊपर है, वाइट प्योर इसका कलर है, अंदर इनर लगाने से ही ऑफ वाइट शो हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, फुल स्लीव्स के साथ है, और इसका जो है ओवरऑल लुक जो है वो इस तरीके से है। लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ ही आएगा इसका जगाट का ही टू साइड बॉर्डर के साथ ये इसका जो है दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है इसका, और इसके साथ ये ट्राउज़र है, ये भी जगाट के ऊपर ही है, बहुत प्यारा ड्रेस है ये, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। इसके साथ स्ट्रेट जो है वो प्लाजो टाइप का ट्राउज़र बनाया है मैंने, और इसके साथ ये वाइट दुपट्टा है, क्योंकि एक्चुअल सूट का कलर जो है वो वाइट ही है। इसके बाद दूसरा ड्रेस जो है वो ये है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ड्रेसेस कहाँ से परचेज़ किए इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दो अलग अलग जगह से मैंने परचेजिंग की है, और ये ईद से एक महीना पहले मैंने ख़रीद लिए थे और सिलवा भी लिए थे। ये जो है ये आशा अकील नाम की एक सेलर थी, उनसे लिए मैंने कोई 3 या 4 सूट लिए थे, समर लिनन बोल के उन्होंने मुझे स्टफ़ दिया। एक ड्रेस तो मैंने पहन भी लिया रमज़ान में, लेकिन यह है कि एक वॉश के बाद उसके ऊपर जो है वो बोर आ गई, तो कपड़ा कुछ इतना ख़ास नहीं है, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे इसके, 1050 का 2 पीस था, लिनन स्टफ़ के ऊपर। ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी वजह से मैंने पार्सल बनाया था। ये चेक प्रिंट के ऊपर है, बच्चे मेरे बोलते हैं मम्मा ये फ़ुटबॉल वाला जो है ड्रेस आपने क्यों लिया, लेकिन मुझे एकदम से ये अट्रैक्ट किया कलर कॉम्बिनेशन और इसका जो प्रिंट है। ये बिल्कुल प्लेन लॉन्ग सिंपल सी शर्ट है, आप घर में इसको मैं वेयर करने के लिए मैंने बनवाया, लिनन के ऊपर है ये समर लिनन, और इसके साथ ही ये मैचिंग ट्राउज़र भी दे रही थी, लेकिन ये लाइनिंग में ट्राउज़र मैंने जो है लिया, और ये ट्राउज़र मैंने स्टिच करवाए ये वाले ड्रेसेस अपने टेलर से। ठीक है, बिल्कुल प्लेन और सादे से ड्रेसेस हैं, क्योंकि ये घर में पहनना है, आने जाने के लिए नहीं है। दूसरा ड्रेस ये है मेरा। अच्छा, एक मैंने ये वाला जो है अपना लिया था, ये भी ऑनलाइन लिया था, ईद से कोई 5 महीने पहले लेके रखा था कि मैं ईद पे ये वेयर करूँगी, जब मुझे आइडिया नहीं था कि हम लोग ईद नहीं मनाएंगे या फिर हमारे साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा, तो ये ड्रेस मैंने ईद के लिए लिया था। ये कोई ब्रांड का ड्रेस है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, खादी नेट के ऊपर है ये, और किसी ब्रांड का नाम उसने मुझे बोला था लेडी ने, और ये शर्ट है मिंट ग्रीन कलर में, अगर फ्लैश ऑफ करके शायद एक्चुअल कलर आए इस तरीके से, मिंट ग्रीन कलर में ये शर्ट है, इसके ऊपर ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, बैग भी इसका इसी तरीके से है, और ये पूरी शर्ट मुझे मिली थी, खाली शर्ट है ये। अभी इसके साथ मुझे ये था कि ईद पे मैं ट्राउज़र और दुपट्टा अरेंज करूँगी या मैचिंग कर लूँगी, इसके साथ कुछ ख़रीदूँगी, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि अभी नहीं इस तरह से पहनना है इसको। ये मिला है 1800 की शर्ट है ये मेरी, कोई इवेंट आएगा तो फिर मैं इसके साथ इसको वेयर करूँगी। इसका ये बॉटम पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारी सी, और बैक इसका इस तरीके से, ये इसके ऊपर की जो स्लीव्स निकलेंगी, और ये इसका जो है पूरा का पूरा शर्ट है, बहुत प्यारा है, और ये खादी नेट के ऊपर बना हुआ है ये शर्ट पीस। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करें तो ये है एक मेरा ड्रेस, ये मस्टर्ड कलर में, मस्टर्ड और ब्लैक पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसका जो ब्रांड है मैं ये मैंने नौशीन तारिक से लिया है, इसका अलकरम कस्तूरी कॉटन लॉन स्टफ़ के ऊपर होता है, मोस्टली लोग घर में पहनने के लिए ऐसे ड्रेसेस लेते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम ये सेल किया है मैंने, मुझे आइडिया है, और देख लो ये मतलब प्योर पतला कपड़ा नहीं होता, थोड़ा सा मोटा सा कपड़ा होता है, एक्चुअल कलर इसका ये है, और ये पूरी इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी जा रही है, एम्ब्रॉयडरी में सीक्वेंस वर्क भी, छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हुए हैं, और थोड़ी सी जरी वर्क भी है, मस्टर्ड कलर में ये है, और मुझे जो इसका अच्छा पार्ट लगा था जो मैंने परचेज़ किया इसको, इसके प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, ये भी टेलर स्टिच ही है, मैंने नहीं स्टिच किया इसको, क्योंकि टाइम नहीं होता, ऑनलाइन काम करना जब से शुरू किया है तो घर के थोड़े से काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इसका दुपट्टा जो था ये मुझे बहुत सीन लगा था, और ऐसा एक मैंने अम्मी के लिए भी लिया था, खैर अम्मी ने ना सिलवाया ना पहना, वो ग्रीन कलर में था। तो ये मेरे ड्रेसेज हो गए, अब दिखाती हूँ मुस्तफ़ा के। ये वाला ड्रेस मेरा रह गया था, मुझे अभी याद आया, ये है चीता प्रिंट के ऊपर है, ऐसे मेरे पास 2 हैं, एक मैंने पहन लिया जो घर में, जिसका मैं बता रही हूँ कि उसका जो है बोर आ गई एक ही दफ़ा की वॉश के बाद से, वॉशिंग मशीन में वॉश किया था इस तरीके से है। ये भी अगेन समर लिनन के ऊपर है, प्रिंटेड है, बिल्कुल सादा सा घर में पहनने के लिए कि आपको इरीटेट ना करे, गर्मियों में आप इजीली पहन लो। ये भी टेलर से ही स्टिच करवाया था मैंने, कोई
5,000 मैंने उसको सिलाई दी टेलर को, मेरे कपड़ों के साथ बच्चों के भी कुछ कपड़े मैंने स्टिच करवाए थे। ये प्रिंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इनके पास जिनसे मैंने ये परचेज़ किया, इनके पास ड्रेसेस के जो प्रिंट्स थे ना बहुत अच्छे थे, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। चीता प्रिंट था, स्नेक प्रिंट था, चेक प्रिंट था, तो ऐसे प्रिंट जो कभी कभी मिलते हैं जो आँखों को अच्छे लगते हैं, वो बहुत कुछ था इनके पास, लेकिन ये कि कपड़ा मुझे समझ में नहीं आया। बाकी जो है आपकी अपनी मर्ज़ी है, घर में तो आप पहन सकते हो बोर वाला भी कपड़ा भी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गए मेरे ड्रेसेस जो मैं घर में पहनूंगी, और ईद के हवाले से भी आप लोग कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये मुस्तफ़ा के ड्रेसेस हैं, ये मुस्तफ़ा के लिए ईद के हवाले से भी हैं, और ऐसे कपड़े बनाए कि गर्मियों में बच्चा घर में भी पहन सके आने जाने के लिए, कहीं जैसे अम्मी के घर जाना है या बच्चा घूमने जाता है बाइक पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे साइड में पॉकेट्स है, ये मैंने वही ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, रमज़ान में ही लिए हैं, और इस तरीके से हैं ये। एक ये है, ये मेरी पसंद का है, ये भी मेरी पसंद का है। इसके साथ जो है ना शॉर्ट्स, वो डेनिम की हैं, ये देख लो अंदर डेनिम की शॉर्ट्स हैं। ये हो गया, उसके अलावा ये मुस्तफ़ा को जो है उसके मामू ने, मामी आई थी तो मामू मामी ने गिफ्ट किया, मतलब मेरे भाई ने ईद के लिए। ये भी मुस्तफ़ा के पापा लेकर आए हैं। बाकी ये ड्रेसेज हैं मुस्तफ़ा के जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किए हैं, ये कुछ पापा लेकर आए हैं, कुछ उसको ईदी में मिले हैं मामू की तरफ से अपने और मामू के ससुराल की तरफ से। और ये जो है ये मैं ईद पे पहनाऊंगी मुस्तफ़ा को, मिनियन वाला। ये ड्रेस मेरा फेवरेट है, कलर येलो है इसका, लेकिन ये प्यारा सा है इस तरीके से। इसके साथ ये छोटू सी कैप भी है एज इट इज़। मैंने ये कपड़े अपने भाई के बच्चे के लिए भी लिए हैं, वो दोनों को पहना के इंशाल्लाह फिर पिक्चर जो है अपलोड करेंगे, देखते हैं किसका बेबी ज़्यादा क्यूट है। ओके, तो ये जो ड्रेस है इस तरह के, ये किशमिश ब्रांड की ड्रेसेस हैं, आजकल बहुत इन है, ये रेडी टू वेयर आए थे। कपड़ा कुछ खास अच्छा नहीं है इसका, लेकिन ये है कि आपको एक स्टिच हुआ हुआ पूरा पैकेज मिल जाता है, कंप्लीट 3 पीस है। शिफोन के ऊपर है, शिफोन इसका खैर अच्छा वाला नहीं है, लेकिन वन टाइम वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों ने ज़िद करके और एक हफ़्ता डीलर से डिमांड करके फिर ये मंगवाया है। ये जो है आई थिंक 1550 का कुछ या 1350 का ये ड्रेस मैंने लिया, कंप्लीट 3 पीस है। इसके साथ दुपट्टा भी है, ट्राउज़र जो है वो भी स्टिच है, एक का बॉटर ग्रीन कलर में है और एक का जो है वो है रेड कलर में। ये इनके फर्स्ट डे के ड्रेसेस हो गए, बाकी इनके जो है। ओके, ये तो मेरी अब तक की वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा ईद के हवाले से फेशियल ब्लीच वगैरह हमने सब कर लिया है, रही मेहंदी वो बच्चे लगाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।